हेलो दोस्तों, जोहर जोहर, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है जो कि आज हम जा रहे हैं गोंडवाना सम्मेलन, जो कि ग्राम कन्हारी पर रखा गया है, विकास खंड महेंद्रवा। वहां पर जा रहा हूं, हमारे जो कि समस्त साथीगढ़ पहुंच चुके हैं वहां पर। और मेरे पास कॉल, कितना टाइम आ रहे हैं आप? तो अब जस्ट यहाँ से निकल रहा हूँ। हमारे बिटिया लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों चलो, ले चलते हैं आप लोगों को वहीं पर। और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा मेरा चेहरा डाउन होगा, क्योंकि यार सारी रात कल जागा और दिन में भी काम किया, इस वजह से रेस्ट नहीं मिल पाया मेरे को। तो आज फिर एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिल रहा है, दादा प्रेम साय मरावी जी का कार्यक्रम है वहाँ पर। तो चलो वीडियो में बने रहो, दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहुंच चुका हूं मैं गांव कन्हारी। पहले मिस्टेक हो गया था बताने में, क्या बोल रहा था उसको, छीरपानी बोल रहा था, पर ये कन्हारी में, आ गए भाई यहां हाँ से, कन्हारी में कार्यक्रम है। तो हमारे धूमकीर्ति जी फिर मिल चुके हैं। जहाँ जहाँ दोस्तों, आज फिर हमारा सौभाग्य कि हम लोग फिर आज दोबारा मिल पाए यहाँ पर। और पेज वेज पैक चल रही है इस तरफ, देखो बैठे हैं इस तरफ। और कार्यक्रम जहाँ पर होने वाला है वो आप लोग दिखाते हैं, देख सकते हो भाई साहब। आगे देखो, ये ऐसी जगह है, बहुत ही खतरनाक साउंड वाउंड लगाया गया है। मरावी दादा लोग पहुंच चुके हैं। तो पहुंच चुके हैं हम कार्यक्रम में, वहाँ पर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं और बाकी दादा लोग भी पहुंच चुके हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बैठक व्यवस्था भी अच्छा से बनाया गया है, और बाकी उधर लाइट लगा दिया गया है, जो कि झीला में कार्यक्रम है। और बच्चे लोग देखो, इतना ठंडर भी लग रहा है, फिर भी कुट्टा के लगभग शर्ट के बटन खोल के बैठे हुए हैं आ चुके हैं। और हमारे भाई साहब देखो, पूरा अपना सेटअप जमा रहा है, ये देख सकते हैं, सेटअप तैयार हो चुका भाई का सेटअप। और बाकी मेरा सेटअप अभी बाकी है। और देख सकते हैं हमारे जो इधर, देख सकते हैं पूरे समिति के लड़के लोग तैयार हो रहे हैं और बाकी बैठे हुए हैं बहुत सारे। पीछे देखो जगह खाली है, अभी आते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं वैसे वैसे देख सकते हैं। दोस्तों दादा मरावी जी आ रहे हैं, और बड़ा देवता के जो छाया चित्र है वहाँ पर हल्दी चावल से तिलक वंदन कर रहे हैं। और जो कि धर्माचार्य हमारे मामा साहब, वो भी आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और हमारे बीच जितने भी समाज के बुद्धिजीवी हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, जो समाज के सुख चिंतक हैं, आप सभी जो हैं मंच तक पहुंचने का कष्ट करेंगे। हमारे प्रहलाद सिंह भवेदी जी जो बोलता सरपंच हैं, आप भी मंचासीन होने का कष्ट करें। और अपने धर्म संस्कृति रीति रिवाज, अपने पुरखा व्यवस्था को पुनः कैसे बचाया जाए, उसके लिए यह कार्यक्रम आज आपने रखा है कि ये जिस गाड़ी से आप यहाँ पर आई हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखते हुए पुनः अपने अपने घर गाड़ी में। तो कुछ इस तरह से आज का रात्रि काल कार्यक्रम समापन हुआ, जस्ट सुमरणी हुआ है। सुमरणी के पश्चात हमारे जो मरावी साहब हैं, जो कि डांसर, वो जा रहे हैं अपने मेकअप रूम में। और बाकी देख सकते हैं पूरा जनता भाग चुकी है, और क्योंकि दोस्तों आज का कौन सा कार्यक्रम था यार, बड़ा देवता स्थापना किया गया था, और किस जगह पर किया गया था आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो में, तो बने रहो। और दोस्तों ये पहली बार है जो ग्राम कन्हारी में मैं आया हूँ, अंदर गांव अंदर, और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है तो हमें अच्छा लगा। और क्योंकि ऐसे खास अवसर पर हमें आने का अवसर मिला, इसलिए हमारे मित्र है साथ में, सम्मान्य दादाजी हैं। तो क्योंकि ये ब्लॉग वीडियो, इसलिए आप थोड़ी बहुत बताएंगे और बड़ा वीडियो में अच्छा से बताएंगे, ताकि आप लोग भी जान सको कि भाई यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया था। तो बने रहो वीडियो में। और हमारे सेवा जोहर, और हमारे धूमकेतु जी अपने सामान को सेंध रहे हैं, और मेरे सामान को नहीं सेंध पाए। देखो ये वीडियो बनाने के चक्कर में तो रह गया भाई। देखते साथियों, हमारे धूमकेतु जी फोटो वोटो कर रहे हैं, और बाकी समस्त लोगों से हम बातचीत करेंगे फिर बाद में। अभी तो मेरी ब्लॉग वीडियो है, इस वजह से
ब्लॉग वीडियो में बात नहीं होगा। तो सामान्य दादा लोग भी हैं, जस्ट अभी कार्यक्रम समापन हुआ है और देख सकते हैं सभी लोग पैकिंग कर रहे हैं, अपने अपने वादक लोग वादक कर रहे हैं। और बाकी साउंड वाले भैया ये भी है जो कि अच्छा इनका सहयोग रहता है। दोस्तों मेकअप रूम में घुस चुके हैं हम और हमारे कलाकार लोगों हमारे कलाकार लोग यहाँ पर हैं और अपने देख सकते हैं। ये देखो हमारे साहब लोग, ये देखो सभी लोग मेकअप जस्ट उतारे हैं बाय। ये देख सकते हैं हमारे मरावी जी कहाँ बैठे हुए हैं, अब लोग दिखाते हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए आज हमारे मरावी साहब ने। मरावी जी जोहार जोहार, ये देखो हमारे मरावी साहब, सभी दर्शकों को सेवा जोहार, सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना। और आज भाई मरावी जी ने बिल्कुल सुमरणी गीत को कितना शानदार रूप से गाया, जो कि नए अंदाज से गाए, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ। और सम्माननीय सभी लोग हमारे कलाकार, बाकी आप लोगों को परिचय करा चुके हैं पहले की वीडियो में, तो इसलिए आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर बताना भाई, फिर से हम सब परिचय लेंगे जो कि हमारे सभी साथी लोग हैं। और बाकी गाड़ी तो अंदर मेकअप रूम में ही डाल दिया गया था, देख सकते हैं आप लोग। जोहार जोहार सब, और जोहार 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 भैया, देखने वाले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बता देना, ये घोड़ा वाला भाई। सही बात है भाई, ये हमारे घोड़ा बनते हैं सम्मानीय भैया जी, ये घोड़ा नहीं बनता है, राजा बनता है, कुर्सी पार से है, घोड़ा बनते हैं, कितना घोड़ा नहीं यार, घोड़ा नहीं बनता है, राजा बनता है भैया। तो बोलते हैं घोड़ा का, हम घोड़ा करके हीरा खान छत्री, हीरा खान छत्री अपने हिसाब से आप बोलो। सम्मानीय भैया जी हीरा खान छत्री है, मतलब क्या कहते हैं सब, महान आदमी है, टीम ही है, टीम है पूरा, घोड़ा कह सकते हैं हीरा खान छत्री कह सकते हैं। मेकअप रूम से बाहर आ चुके हैं और हमारे बाकी मरावी जी ये भी आया था आज का कार्यक्रम में, जो कि बहुत कम जाते हैं हमारे साथ, कहाँ कहाँ अकेले अकेले बहुत दूर दूर तक जाता है भाई सफर में। हाँ दादा, तो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार जगह बनाया गया है, जो पूरा झीला में कार्यक्रम की व्यवस्था बनाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ आकर। और दिखाते हैं आप लोगों को किस जगह पर पेंट थाना बनाया गया है, आप लोगों को दिखाते हैं, तो बस वीडियो में बने रहो क्योंकि यह पहला वर्ष है, इस वजह से फिर भी अच्छा ढंग से यहाँ पर बनाया गया है और आप लोगों को दिखाते हैं। देखो हमारे कलाकार लोग अलग सलाह बना रहे हैं और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है बड़ा देव का स्थान, जो कि पहला वर्ष यहाँ पर स्थापना किया गया है। और आप लोग देख सकते हैं बड़ा देव जी का किस तरह से यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है, जो कि बहुत ही शानदार बनाया गया है। तो चलते हैं और भी आप लोगों को साथियों से मिलाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत ही बढ़िया बनाया गया है बड़ा देव जी की मूर्ति। और यहाँ पर साजा के जो कहना चाहिए खम्भा गाड़ा गया है, और ये है धर्माचार्य दादा पंडा जी हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरह से हैं क्योंकि ये पहला वर्ष है इसलिए ऐसा है। और जैसे ही साल भर होगा और अभी बहुत सारे काम खोलेंगे हमारे सरपंच साहब भी, इनको और अच्छे तरह से बनवाएंगे, तो देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया बनाया गया है और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया था। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाया हमने और बहुत ही अच्छा लगा हमको इस गांव में आकर। और पहले मैं वीडियो बना रहा था तो मैं चूक गया था, मैं बोल रहा था छीर पानी में कार्यक्रम है, आके देखा तो कन्हारी में कार्यक्रम, जैसे ही मट्ट ऊपर मैं पहुँचा याद आया कि नहीं यार आज कन्हारी में कार्यक्रम है, उधर जाने वाला था। तो हमारे समस्त दादा प्रेम साहब मरावी जी की टीम से सभी लोग हैं, तो सेवा सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा, जो कि कार्यक्रम में बहुत अच्छा किया गया।